महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने पिछले 2 सालों में सभी के लिए विकास के काम किए हैं, जिससे आज आम नागरिकों की सुविधा सहायता निर्माण करने का काम लगातार किया जा रहा है। महाअघाड़ी सरकार ने सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के सिवा कुछ भी काम नहीं किया है, जिससे आज महाअघाड़ी के नेताओं के खिलाफ जनता में नाराजगी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्श्वनी रामटेक क्षेत्र के विकास कामों के भूमि पूजन लोकार्पण शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में विधायक आशीष जायसवाल ने शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश किया। जाने वाले विधानसभा चुनाव में रामटेक विधानसभा क्षेत्र से आशीष जायसवाल महायुति के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने से महाराष्ट्र में विकास कामों में तेजी आ रही है। लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। महिलाओं के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से सहायता कर महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जा रहा है। रामटेक विधानसभा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए के विकास कामों का शुभारंभ इतवार को पार्श्वनी शहर के कुवारा भीमसेन सभा स्थल पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक आशीष जायसवाल, पूर्व सांसद कृपाल तुमाने, पूर्व विधायक राजू पारवे, पूर्व विधायक आशीष देशमुख, पूर्व नगराध्यक्ष प्रतिभा कुंभालकर, पूर्व नगर पंचायत गठ नेता दीपक शिवरकर, भूतपूर्व ग्राम पंचायत सदस्य आशीष थोटे, सामाजिक कार्यकर्ता उत्तम वड़स्कर, भूतपूर्व सरपंच प्रेम भूंडेकर, भूतपूर्व समाज कल्याण सभापति हर्षवर्धन दिको से राहुल ढके, रोशन पिपरामुड़े, साथ ही सभी सरकारी विभागों के आला अधिकारी तथा विधानसभा क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में इस अवसर पर उपस्थित थे। निजी या किसी राजनीतिक पक्ष का कार्यक्रम न होते हुए यह कार्यक्रम सरकारी विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, फिर भी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन लोकार्पण शुभारंभ कार्यक्रम होते हुए भी स्थानीय सांसद इस कार्यक्रम से नदारद दिखने से आम जनता में चर्चा का विषय लोगों में बनता चला है। सांसद को इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया था या नहीं, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। माझी उमेदवारी जाहीर झाला, शिवसेनेमध्ये अंजावर टाकला, अथवा झेंडा बाळासाहेब घेतला आणि त्यांची उमेदवारी तर त्यांची कोण आहे, त्यामुळे बाकी इतर ज्या काही उमेदवारी आहेत त्याच्यावर चर्चा चालू आहे आणि लवकरच तुम्हाला बोलतो। एनबीसी न्यूज के लिए पाशुरी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट। The cool new Glanza. Go hatchin', go awesome.